अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतनी बड़ी भूल। अरे अपन इतनी बड़ी भूल तूने की कैसे? डॉक्टर ने बताया मुझे। अबे भूल करके पछता रही है ना? अरे कितनी बार तेरे को बोला कि इतनी मेहनत नहीं किया करके कमजोर हो जाए? परंतु सांभती नहीं। चलाल घर छोड़ के आता हूं तुझे मैं। नहीं पापा, मैं छोड़ाती हूँ मोंगी को, है ना? हाँ जा बजे मैं संभाड़ी न जजे। और दवाई भी ले लेंगे साथ में, है ना मोंगी? हाँ चलो। संभाड़ी ने ले जजे। कुछ दिनों में मोंगी की सगाई है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, सारे मेहमानों को सूची देनी है, महाराज को पकवान और मिठाइयों की सूची देनी है। देखना चंपा कली, इस सगाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? जी। वो मुझे नाड़ा बनाने आता, आप बांध देंगी? कुछ ही दिनों बाद मूंगी मासी की सगाई है और मेरे पास पहनने के लिए एक भी कपड़े नहीं है। हम तुम्हारे लिए ला देंगे, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी, वो तुम्हें ले जाकर तुम्हारे नए कपड़े ला देंगे, ठीक है? थैंक यू। मालिक। हाँ बोल। मालिक आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ खुशी तो मैं तेरे मुख पे देख रहा हूँ, पर ये खुशी का कारण तो बता। मालिक शायद सामने से मुझसे बात की, उसने खुद मुझसे अपना नाड़ा बनवाया। इतना ही नहीं, उसने मुझसे कहा कि मुंगी के सगाई के लिए मैं उसके लिए अच्छे कपड़े लाऊं। हम उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदेंगे ना, और बहुत सारे खिलौने भी। हाँ हाँ जो तेरी इच्छा हो ना उसको खरीद के दे देना, बस तू हंसती रहे ऐसे। हंसती है ना, गमता है मुझे। उदयन माँ की कृपा हो गई आज, तो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता था, और आज सामने से उसने मुझसे बात की, इतनी बड़ी बात है ना माले। अरे मैंने बोला था ना तुझे, तू माँ है उसकी, अरे माँ की ममता कभी खाली नहीं जाती। आज तो उसने बात की है ना तेरे साथ, एक दिवस तेरे को माँ बोलकर भी बुलाएगा, जो जे तू। वो दिन जल्दी आएगा ना। अरे मैं जाती हूँ, मुझे विशाल को दवाई के साथ दूध देना है, उसने कल से कुछ ठीक से खाया भी नहीं है। अरे संभड़ संभड़ जरा। एक बात बताओ, मैं तुझे ऐसा टेढ़ा दिखता हूँ? टेढ़ा है इसलिए तेरी माथे पे बिंदी है, वो सुहाग की निशानी है ना, ये हमेश वाकी क्यों लगाती है? ला सीधी करिए आप। हेलो यार जी। मैम ये रिपोर्ट्स पॉजिटिव है।
ये मैंने क्या कर दिया? इतनी बड़ी भूल। संतु बेन और मनी विलाल मेरी वजह से कितना शर्मिंदा होंगे, क्या मुंह लेके जाऊंगी उनके सामने। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं जाके उस लड़की को सारी सच्चाई बता दूंगी। नहीं, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। अभी तुम चुप रहोगी, एक बार तुम्हारा शगुन हो जाने तो बस। पर इतनी बड़ी बात मैं नहीं छुपा सकती। ये घर न्याय का मंदिर है, इस घर में रहते रहते इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती मैं। और अगर मैंने कोई अपराध किया है तो उसका दंड भी मैं ही भुगतूंगी। मोंगी, ये बात अपराध और दंड की नहीं है, तुम्हारे आने वाली जिंदगी की है। जो भूल हो गई वो हो गई, भूल जाओ। पर जिस झूठ से सबका भला होता है वो सच से बढ़कर होता है। मोंगी, मैं अपनी आत्मा पे इतना बड़ा झूठ का बोझ नहीं सह पाऊंगी। अपने ही नजरों में गिर जाऊंगी मैं। और इतना बड़ा पाप मैं नहीं छुपाना चाहती। छुपाना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कसम। चिंता मत करो मुंगी, ये तूफान भी गुजर जाएगा, समझो। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा ऑपरेशन करवा देंगे। तुम्हारे आने वाले कल के लिए तुम्हें अपना अतीत छोड़ना होगा, भूल जाना होगा। कोई और भी था यहाँ पे जिसने हमारी बातें सुन ली है? कहीं वो सारंग तो नहीं? सारू थयो के तू गरम दूध लेके आवे। भगवान जाने कि हम सवेरे से मेरा माथा दुख रहा है, पर थोड़ी हल्दी डालनी थी ना। अब नहीं मालिक, ये आपके लिए नहीं है, ये विशाल के लिए। डॉक्टर ने कहा है ना कि उसे शेर द्वारा दूध देना, इसलिए उसके लिए। मैं आपके लिए चंपा के हाथों हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। जवा दया दूध। वो देख सामने तेल पड़ा है ना, जरा घिस देना माथे में। बस ये मैं विशाल को देकर आ जाऊँ, उसके बाद आपको बसाती हूँ। बस अभी जल्दी आई मैं। भले भले। मोटी बहन बरोबर बोली थी, एक स्त्री के लिए पति से बढ़कर संतान होता है। जो लीधु आज, अगर सारा ने ये सब कुछ सुन लिया तो वो सबको बता देगा, वो सबको बता देगा। मुंगी, हम तो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, है ना? शायद ये भी तो हो सकता है कि वो वाज हवा से टूट गया हो। रिलैक्स मुंगी, इतना टेंशन मत लो। आराम से सो जाओ।